दोस्तों, कभी आपने पीक पर तबाही मचाई है? आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पीक पे जाऊं, जितने सारे बंदे आए सबको मार दूं, तबाही मचा दूं। अब बहुत सारे बंदे पीक पे इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको रैंक पुश करना होता है और यहाँ पे लूट नहीं मिलती, तो फिर वो मारे जाते हैं और उनका रैंक माइनस हो जाता है। चलो, अभी हम पीक पे उतर चुके हैं। मेरा सबसे फेवरेट जगह है पीक पे डबल डोर। यहाँ पे लूट मिल जाती है तो बंदे को मारने में आसानी रहती है। अभी मुझे मिल चुका है फमास, जो कि बहुत ही घटिया गन माना जाता है इस फ्री फायर में। अभी मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश किया, ये कवर ले लिया। अभी देख लेते इधर कौन सा गन है। और मुझे मिल चुका है P90 SMG गन। अभी बंदा ये पक्का ऊपर आने की कोशिश करेगा और ये आ गया है ऊपर, परांग लेके आया है। मैंने इसको डैमेज देने की कोशिश किया, इसने फटैक से गुरुआ लगा लिया। अभी चलो इसके ऊपर रस करते हैं और ये मेरे शील्ड के अंदर गया और डैमेज दिया मुझे, और इस तरह से मैंने पहला किल निकाल लिया है। सबसे पहले इसके बाउंटी को लूट लेते हैं और इसके बाउंटी से मिल चुका है मेरा सबसे फेवरेट गन ग्रोजा, और दूसरा मेरा फेवरेट गन है M1887, और तीसरा मेरा सबसे फेवरेट गन है ड्रैगनो। मेरे अलावा पीक पे लगभग 4 बंदे आए थे, तो इनमें से कुछ ना कुछ बंदे जरूर जिंदा होंगे। चलो ढूंढते हैं इनको, इस टूटे वाले हाउस में चलते हैं। यहाँ पे पक्का बंदा होता है, अगर बंदा होगा तो इनको लपेटेंगे हम। इस टूटे वाले बिल्डिंग में चलते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई बंदा जरूर होगा। अभी देखो यहाँ पे लूट बॉक्स दिख रही है, यहाँ पे कोई ना कोई बंदा जरूर मरा है। आसपास बंदे होंगे, मुझे चौकन्ना रहना होगा। अभी हम ले लेते हैं MP5 और पीछे से इसने डैमेज दिया। मैं पहले क्रोन लगा लेता हूँ और इसको मैंने अपने MP5 से मार दिया है और मेरे 2 किल हो चुके हैं पूरे। आसपास बंदा होगा, मुझे टेंशन है कि कहीं वो पीछे से ना मार दे। चलो अभी ये बाहर निकल लेते हैं हम। और यहाँ पे देखो एक बंदा आ चुका है और इसको रेड शॉट, इसे हेड शॉट नहीं, इसे रेड शॉट कहते हैं क्योंकि MP5 की जा रहा सारा गोली इसके हेड पे जाके लगा। इसके लूट बॉक्स से हम लूट लेते हैं, वैसे लूटने में तो हम बहुत माहिर है, हम लोगों के दिल को लूट लेते हैं। तो ये लूट बॉक्स क्या चीज़ है मेरे दोस्त? कैसा लगा ये डायलॉग? वैसे चलो डायलॉग को मारते हैं डंडा, ढूंढते हैं अगला बंदा। 3 किल हो चुके हैं मेरे पूरे। अभी हम चलते हैं पीक के नीचे साइड, क्योंकि यहाँ पे एक दुकान रहता है और दुकान से मुझे लेना है शॉटगन। और इधर एक बंदा दिखाई दिया यहाँ पे, इसने लूट करके भागा है ये। चलो इसको पहले देख लेते हैं हम MP5 से, इसको डैमेज देने की कोशिश। और यहाँ पे 8 या 9 का डैमेज लगा है और एक बार और डैमेज देने की कोशिश किया मैंने। और ये बंदा रस करने की कोशिश कर रहा है और मैंने इसको हेड शॉट दे दिया है और 4 किल मेरे पूरे हो चुके हैं। इस बंदे के पास गुलवॉल है और M1887 है। चलो अपने MP5 की जगह पे हम M1887 ले लेते हैं। 4 किल मेरे पूरे हो चुके हैं, अभी भी मेरे अलावा 24 बंदे जिंदा है। अभी चलते अगले बंदे की तलाश में। हम आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखो एक बंदा भाग के आ रहा है गाड़ी से और एक बंदा और ऊपर दिखाई दे रहा है। मैंने इसको डैमेज देने की कोशिश की लेकिन ये कवर ले लिया। अभी मैं भी चल के कवर ले लेता हूँ, ये पक्का मेरे ऊपर रस करेगा। पता नहीं इसके पास कौन सा गन है। अभी मैं यहाँ पे कवर ले लेता हूँ। देखो बंदा मेरे साइड ही आ रहा है, वो रस करने की कोशिश कर रहा है। डैमेज देने की कोशिश किया मैंने उसे लेकिन लगा नहीं। अभी वो मेरे बिल्कुल पास आएगा और इस तरह से मेरे पास आ चुका है, मैं कवर ले लेता हूँ। और इसके पास है M10 वाला, मुझे बहुत डर लगता है। और इसने क्रोन लगा लिया, पहले मैं यहाँ पे क्रोन लगा लेता हूँ। मैंने इसको डैमेज दिया और इसके क्रोन को तोड़ दिया मैंने। यहाँ पे मैं पहले ग्रुआ लगा लेता हूँ और देखना दिलचस्प होगा कि मेरे पास आ चुका है बिल्कुल, और मैंने इसको मार दिया। और इस तरह से मेरे 5 किल पूरे हो चुके हैं। अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये M10 रखा था इसने और ये M10 से मुझे मार देता, और M10 वालों से मुझे बहुत डर लगता है। चलो अभी चलते हैं पोचिनो की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, बंदा दिखाई नहीं दिया दूर दूर तक। 5 किल मेरे पूरे हो चुके हैं और मेरे अलावा अभी 14 बंदे और जिंदा हैं। अभी देखो फैक्ट्री के साइड किसी ने गोली चलाई है, गोली चलाने का निशान दिखा मुझे मैप में। चलो इसके पास चलते हैं अभी हम। फैक्ट्री के साइड बंदा और एक ऊपर से भी बंदा। यहाँ पे गुलवॉल लगा हुआ है, बहुत सारा गुलवॉल दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं यहाँ पे अगर कोई बंदा होता है तो उन्हें लपेट लेंगे, लेकिन इधर बंदा दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ गुलवॉल ही गुलवॉल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आसपास बहुत सारे बंदे होंगे और इस मल्टी विंडो वाले हाउस में भी बंदा है। चलो हम कवर लेते हैं, नहीं तो क्या पता कहीं हेड शॉट ना लग जाए मुझे। अभी कवर लेना बहुत ज़रूरी। आसपास बंदे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं किस साइड हैं वो। अभी हम चलते हैं मल्टी विंडो हाउस वाले बंदे को देखने। इधर यहाँ पे फायरिंग हो रही है, फाइट हो रही है। चलो देखते हैं मल्टी विंडो वाले हाउस के अंदर अगर कोई बंदा होता है तो इन्हें लपेट लेंगे। अभी एक बंदा यहाँ से भाग रहा है, M1887 से मैंने डैमेज देने की कोशिश की और पीछे से भी बंदा मुझे मार रहा है, उसको पहले देख लेते हैं हम। अभी मैंने इसको डैमेज दिया, इसने ग्रुआ लगा लिया। चलो ये ऊपर की साइड भाग रहा है, अभी इसको ढूंढते हैं। इसके पास शायद MP40 और यहाँ पे एक बंदा, मैंने डैमेज देने की कोशिश की लेकिन इसे लगा नहीं।
और ये एमपी और एमपी 40 से मुझे डैमेज देने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले ग्लू वॉल लगा लिया यहाँ पे और मैं पहले ग्लू वॉल से पैक हो जाता हूँ। मेरी मारना बहुत जरूरी क्योंकि मैं बहुत डैमेज हो चुका हूँ यहाँ पे। अब डर इस बात की है कि ये नेड ना कर दे, इसमें अगर नेड किया तो फिर मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ओके तो अभी 5 किल मेरे पूरे हो चुके हैं। यहाँ से शायद बंदा नीचे की साइड भाग चुका है, अभी देख लेते हैं कहाँ है बंदा। वो यहाँ पे एक ग्लू वॉल लगा है, देखते हैं इसके अंदर बंदा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा। चलो यहाँ पे हम नेड करने की कोशिश करते हैं, अगर बंदा होगा तो मर जाएगा, अगर नहीं होगा तो शायद वो पीछे से कूद चुका है। हाँ बिल्कुल वो पीछे से कूद चुका है, यहाँ पे बंदा नहीं है। अभी हमारे पास स्कैनर भी आ रहा है, स्कैनर भी दिख जाएगा, बंदे स्पॉटेड हो जाएंगे, जहाँ भी होंगे वो दिख जाएंगे कि कहाँ पे हैं। अभी देख लेते हैं अपने स्कैनर में हम, और मुझे एक बंदा दिखाई दे दिया है, राइट साइड भी बंदा है और मेरे बाएं साइड भी बंदा है। चलो राइट साइड वाले बंदे को मैंने डैमेज देने की कोशिश की और ये इसने पत्थर का कवर ले लिया है। अब बाएं साइड भी बंदा है, देखो दो दो बंदे इधर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं लैंड में लगा देता हूँ, कोई भी बंदा आएगा तो डैमेज हो जाएगा। अभी चलो देखते हैं नीचे साइड, ये पत्थर में कवर ले लिया है बंदा, ये बाहर निकलेगा। और पीछे साइड भी बंदा है, इधर दो बंदे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। चलो पहले सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले बंदे को देख लेते हैं, ये किधर भाग रहा है, इसको लपेटते हैं पहले। और एक बंदा दिखाई दे दिया, मैंने शील्ड लगा लिया है। चलो इसका पीछे करते हैं पहले, कहाँ गया ये बंदा, और ये भाग रहा है। और इसे ओपी वाला हेडशॉट दे दिया अपने ग्रोजा से, और इस तरह से मेरे 6 किल पूरे हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आसपास बंदा है तो मुझे चौकन्ना रहना होगा, क्या पता कहीं से उड़ता हुआ गोली मेरी खोपड़ी में ना लग जाए। गुलवॉल लगा के पहले लूटते हैं इसको हम। इसके पास से गुलवॉल मिला है मुझे तो, और मेरे पास अभी 5 गुलवॉल हो चुके हैं, और इसने मुझे डैमेज दिया पीछे से बंदा। गुलवॉल लगा लिया मैंने, अभी रुको इसको देखते हैं, बहुत से चुल मची हुई है, इसको तो हेडशॉट ही मारेंगे हम। राइट साइड भी मैंने गुलवा लगा लिया ताकि पीछे से कोई बंदा मार ना दे। इसको पहले देखना जरूरी है कि ये किधर से मारेगा मुझे। अभी देखो यहाँ पे बंदा एकदम बिल्कुल आगे आ चुका है, इसने डैमेज देने की कोशिश किया। अभी मेरे पास क्रोनो चार्ज हो चुका है तो मैं शील्ड लगाऊंगा पहले, और मैंने शील्ड लगा लिया और हेड शॉट दे दिया है M88 से, कमाल का हेड शॉट था। 7 किल मेरे पूरे हो चुके हैं। इसके लूट बॉक्स से मैं लूट लेता हूँ गुलवॉल और ग्रेनेड। 7 किल मेरे पूरे हो चुके हैं, मेरे अलावा अभी भी 6 बंदे अलाइव हैं। चलो देख लेते हैं हम कितना किल कर पाते हैं इस मैच में। अभी साइलेंसर लगा लेते हैं अपने क्रोजा में, साइलेंसर मिल चुका है और साइलेंसर के साथ क्रोजा बहुत ही अच्छा चलता है। इधर इधर साइड बंदा और मुझे डैमेज देने की कोशिश किया, मैंने गुलवा लगा लिया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, क्या पता कहीं वो मार दे। और देखो यहाँ पे इसने दीवार का कवर लिया है, चलो इसको पहले मार देते हैं, इसको आसानी से मार सकते हैं हम। क्रोन लगा के मैंने इसको मारा और यहाँ पे ये बंदा मर चुका है, और 8 किल मेरे पूरे हो चुके हैं, मेरे अलावा अभी 2 बंदे अलाइव हैं। यहाँ पे बंदा मुझे डैमेज दिया और मैंने गुलवा लगा लिया, पेड़ का कवर ले लेता हूँ मैं, मुझे जोन के अंदर जाना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं वहाँ से भाग के जोन की साइड आया। अभी 2 बंदे हैं, पता नहीं मैं इस मैच में भुया निकाल पाऊँगा कि नहीं, बहुत टेंशन वाला मैच। चलो देख लेते हैं, वो बंदा उस साइड से टावर में बंदा है, वो पक्का इस साइड आने की कोशिश करेगा, वो अभी जोन में आएगा। देखो दोनों की फाइट हो रही है, वेट करते हैं। एक बंदा मर चुका है, अब सिर्फ मेरे अलावा एक बंदा वहीं जिंदा है, वो पक्का इधर आने की कोशिश करेगा, मेरे ऊपर रस करने की कोशिश करेगा, उसे हम जरूर मारेंगे। अभी देखो वो निकला नीचे, मैंने डैमेज दिया, उसने ग्लूवा लगा लिया है, अभी वो धीरे धीरे मेरे पास आएगा। अभी देखो मेरे पास आ रहा है वो धीरे धीरे, चलो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम, कवर में रखे खेलेंगे। ग्लूवा लगाते लगाते मेरे पास आने की कोशिश, और वो मेरे पीछे आएगा, हम निकाल लेते हैं अपने शॉटगन को, अपने पास रखते हैं। और देखो यहाँ पे घोड़ी मारने की कोशिश कर रहा है, और मैंने इसे डैमेज दिया, लगा नहीं, सिर लगा लिया मैंने, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। और मैंने एक बार और डैमेज दिया, इसने गुलवा लगा लिया, ड्राम को फोड़ देता हूँ, क्या पता कहीं ड्राम पर मारे और फिर मैं मर जाऊं। गुलवा लगा लिया मैंने आगे की साइड, अभी फाइट होने वाली है हम लोगों की, और इसने मुझे डैमेज दिया, इसके पास भी शॉर्ट गन है, और देखो इसने रस किया मेरे ऊपर, और मैं बार बार बचा हूँ यहाँ पे, और शॉर्ट गन से मैंने इसको डैमेज दिया और हेडशॉट लग गया है, और इस तरह से ये बंदा खत्म। 9 किल के साथ मैंने इस मैच में बुइया निकाल लिया है, कमाल का बुइया क्रोनो ने निकाला है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप ऐसे ही वीडियो को रोजाना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले के साथ। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।